हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं यहां पर वन प्लस के नॉर्ड यूजर्स के लिए नया ऑक्सीजन ओएस 10.5.6 का अपडेट रोल आउट होना शुरू हो गया है। इस अपडेट में काफ़ी कुछ चीज़ें फिक्स हुई हैं, कैमरा को लेकर के, पावर को लेकर के, और साथ ही साथ यहां पर इमेज ऑप्टिमाइजेशन को लेकर के। तो ये सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। इसका चेंज लॉक क्या कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, साथ में आप अपने डिवाइस को अपडेट करना तो आप जान ही गए होंगे। आप सेटिंग में जाकर के सिस्टम अपडेट पर टैप करना है, उसके बाद आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है सिस्टम अपडेट पर, वहाँ से आप उसे अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ चेंज लॉक में आप लोगों को यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल जाता है। ये एक छोटा सा चेंज लॉक के साथ में अपडेट आया है। तो जैसा कि मैं आपसे इस चेंज लॉक के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है वन प्लस नॉर्ड ऑक्सीजन ओएस 10.5.6 लिखा हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर बात करूँ, ये अपडेट आपको लगभग 2.5 GB का देखने को मिल जाता है। इसमें आपको सिस्टम को लेकर के इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है। फिलहाल में यहाँ पर कोई भी नया एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेच लेवल देखने को नहीं मिलता है। साथ ही मैं यहाँ पर कैमरा की बात करूँ, तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज इमेज स्टेबलाइजेशन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। इमेज स्टेबलाइजेशन यहाँ पर काफ़ी अच्छा किया गया है। कैमरा में आपको नए नए ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल रहे हैं। धीरे धीरे करके यहाँ पर कैमरा और भी ज़्यादा अपडेट के साथ में फिक्स होता हुआ देखने को मिल जाएगा। फिलहाल में ये एक नया डिवाइस लॉन्च है, तो इस कारण से यहाँ पर अपडेट ज़्यादा जल्दी दिए जा रहे हैं, जिस कारण से पब्लिक को लगे कि ये डिवाइस काफ़ी ही अच्छा है, यहाँ पर जल्दी अपडेट मिलते हैं, तो इस डिवाइस को वो परचेज़ करने के बारे में जल्दी से जल्दी पब्लिक सोचे। इसी के साथ यहाँ पर पावर को लेकर के इम्प्रूव जनरल पावर कंजुमेशन, यहाँ पर जो पावर जल्दी ड्रेन होती थी बैटरी, उसको लेकर के अपडेट को में फिक्स किए गए हैं। उसमें अब आपको और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आपकी डिवाइस पर अगर ऐसा कुछ इशू आ रहा है, तो उसको लेकर के यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिए कि अब आपका पावर ड्रेनिंग कैसा हुआ है। अगर आपका अभी भी ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए आप मुझे वीडियो में कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि मैं आपके द्वारा दिए गए बात से मैं वहाँ पर वन प्लस कम्युनिटी पर फीडबैक दे सकूं, जिससे कि आगे चल करके आपको अपडेट अच्छा सा दिखने को मिल सके। इसी के साथ यहाँ पर ब्लूटूथ की बात करूँ, तो इम्प्रूव ब्लूटूथ कनेक्टिविटी स्टेबिलिटी, यहाँ पर ब्लूटूथ को भी लेकर भी यहाँ पर बग था, उसको भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। तो ये कुछ यहाँ पर सिस्टम में आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला अपडेट दिखने को मिला है। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ चीज़ें नहीं आई हैं, केवल आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है। स्टेबिलिटी के अलावा कुछ भी यहाँ पर दिखने को नहीं मिलता है। तो आप इस अपडेट को अपडेट कर सकते हैं अपने डिवाइस पर। जो भी यहाँ पर 10.5.5 के ऊपर अपडेट करेंगे, उनको ये अपडेट लगभग 300 MB के आसपास का देखने को मिल जाता है। परंतु जिन्होंने अपडेट लगातार नहीं किया है, उनको ये अपडेट लगभग 2.5 GB का देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने सिस्टम में जाकर के सिस्टम अपडेट पर टैप करके आप इस अपडेट को चेकआउट कर सकते हैं और अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट आपके डिवाइस के लिए देखने को मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ इस अपडेट की न्यूज के द्वारा आप समझ गए होंगे कि आपको अपडेट आया है, तो आप अपने डिवाइस को अपडेट शुरू कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आज की यह मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।